नमस्कार, स्पीड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बढ़ते हैं खबरों की ओर स्पीड अंदाज में, जहां पर अमेरिका पहली बार यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम से लैस गोला बारूद भेजने वाला है। राइटर्स के मुताबिक ये हथियार रूसी टैंकों को तबाह करने में सक्षम होंगे। इन हथियारों की सप्लाई की घोषणा अगले हफ्ते हो सकती है। इन गोला बारूद को अमेरिका के अब्राम टैंकरों से फायर किया जा सकता है। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की चौथी बैठक दिल्ली में होगी। मुंबई में 1 सितंबर को हुई तीसरी बैठक के बाद सुप्रिया सूले ने ये बात कही है। तीसरी में ये कहा गया है कि अब सीट शेयरिंग फार्मूले पर चर्चा होगी। भारतवंशी थर्मन शनमुगरत्नम सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने चीनी मूल के 2 विरोधियों को करारी शिकस्त दी है। शुक्रवार को हुई वोटिंग में सिंगापुर के करीब 27 लाख लोगों में से 25.3 लाख लोगों ने मतदान किया और 93.4% वोटिंग हुई। 2 जिसमें एक जान कहे जाने वाले अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में इस वक्त जबरदस्त तनाव है। हालात ये हो चुके हैं कि इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को साफ ऑर्डर दिया है कि वो उनकी परमिशन के बिना अमेरिका के किसी डिप्लोमेट या मिनिस्टर से मुलाकात न करें। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर रूस के लूना 25 की क्रैश लैंडिंग साइट ढूंढ ली है। उनका दावा है कि जहां यान टकराया था वहां 10 मीटर चौड़ा गड्ढा हुआ है। नासा ने इसे लेकर 2 तस्वीरें भी जारी की है। दरअसल नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान ने 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर एक नया गड्ढा देखा था। गड्ढा लूना 25 की अनुमति इंपैक्ट पॉइंट के करीब है। ऐसे में LRO टीम ने निष्कर्ष निकाला है कि यह प्राकृतिक अप्रभाव के बजाय उस मिशन से होने की संभावना है। अरब देश जॉर्डन के प्राइवेट स्कूल टीचर्स और अपॉइंट करने से पहले उन्हें प्रेगनेंसी टेस्ट कराने को मजबूर करते हैं। अपॉइंटमेंट के वक्त इन्हें नो प्रेगनेंसी सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है। इतना ही नहीं, जैसे ही स्कूलों में समर वेकेशन शुरू होते हैं तो प्राइवेट स्कूल टीचर्स को रिजाइन के लिए मजबूर करते हैं। और रिपोर्ट में इन बातों की जानकारी दी गई है कि इसके बाद जॉर्डन की सरकार एक्शन में आ गई है। लेबर मिनिस्ट्री न सिर्फ इस तरह के मामलों की जांच कर रही है बल्कि संबंधित एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ एक्शन भी लेने की तैयारी में है। दक्षिण अफ्रीका में शुक्रवार को पुलिस और लुटेरों के बीच गोलीबारी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लिम्पोपो प्रांत में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 18 संदिग्ध बदमाशों की गोली मारकर हत्या कर दी। दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी प्रांत मखादो में राष्ट्रीय पुलिस आयुक्त पेनी मासेमोला ने बताया कि क्रैश इन ट्रांजिट को लूटने वाले थे। रूस यूक्रेन में मौजूद अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में अब चुनाव करा रहा है। इसके जरिए वो इन क्षेत्रों में अपनी अथॉरिटी को और मजबूत करना चाहता है। ये चुनाव यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में हो रहे हैं। इनमें डोनेट्स, लुहांस, जपोरिजिया और खेरसोन शामिल हैं। हालांकि इन चारों में से किसी भी शहर पर रूस का पूरा कब्जा नहीं है। रूस इन्हें अपनी नई टेरिटरी बताता है। 8 अगस्त को भारतीय सेना के 3 पूर्व सैन्य अधिकारियों ने ताइवान का दौरा किया। इस पर चीन ने गुरुवार को कड़ी आपत्ति जाहिर की है। दरअसल एक पाकिस्तानी पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन के विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता वांग वेनबिंग के इस मामले पर सवाल पूछा। इसके जवाब में वेनबिंग ने कहा कि हम ताइवान के साथ किसी भी ऑफिशियल बातचीत का विरोध करते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट जेपनिंग ने के बाद अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भी G20 समिट में शामिल न होने की आशंका है। न्यूज एजेंसी ANI ने पाकिस्तानी मीडिया द नेशन के हवाले से बताया कि क्राउन प्रिंस ने G20 के लिए भारत दौरा कैंसिल कर दिया है। रूस और बेलारूस को स्टॉकहोम नोबेल प्राइज डिनर में इस साल फिर से बुलाया गया है। पिछले साल यूक्रेन युद्ध के कारण दोनों देशों को इससे बाहर रहना पड़ा था। ईरान को भी पिछले साल शामिल होने की परमिशन न मिलने की वजह से बाहर रहना पड़ा था। इस बार उसे भी शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। स्पेन में बुधवार को लॉ टोमाटिना फेस्टिवल का सेलिब्रेशन हुआ। टोमेटो फाइट स्पेन का बेहद पॉपुलर फेस्ट है। इसमें अनुमानित तौर पर लगभग 2,50,000 पावर टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। फेस्ट के दौरान लोग
एक दूसरे पर जमकर टमाटरों से वार करते हैं। लोगों को चोट न लगे इसके टमाटर को पहले हाथ से पिचका कर मारा जाता है। चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के बाद इसरो सूर्य को स्टडी के लिए अपना पहला मिशन भेज रहा है। आदित्य एल1 नाम का यह मिशन सुबह 11:50 पर PSLV-C57 रॉकेट से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य एल1 सूर्य की स्टडी करने वाला पहला भारतीय मिशन होगा। ये स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होने के 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट A1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहां से सूरज की स्टडी आसानी से की जा सकती है। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए है। दिल्ली में G20 समिट को लेकर सड़कों के किनारे शिवलिंग के आकार वाले फव्वारे लगवाने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने सफाई दी। उन्होंने कहा वो सिर्फ सजावट की चीज है, शिवलिंग नहीं है, देश के कण कण में भगवान है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार देर रात मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एवरेज इंडिया लिमिटेड के फाउंडर नरेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के मुंबई ऑफिस बुलाया गया था, जिसके बाद यह गिरफ्तारी हुई है। उन पर 538 करोड़ रुपए के घोटाला का आरोप है। गोयल को आज 2 सितंबर को स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी हिरासत की मांग करेगी। इसके पहले ईडी ने उन्हें 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। मणिपुर के चुराचांदपुर और विष्णुपुर जिलों के बॉर्डर पर बफर जोन में अभी हिंसा जारी है। यह 29 अगस्त को दोबारा भड़की थी। बीते 4 दिनों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों जिलों में आर्मी को तैनात किया गया है। अभी यहां के बफर जोन में CRPF और असम राइफल्स तैनात थी। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 दिनी बैठक समाप्त हो गई है। 3 संकल्प सामने आए हैं। पहला देशभर में गठबंधन की रैलियां होंगी, दूसरा विपक्ष के अभियान की थीम होगी जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, और तीसरा 14 मेंबर्स की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसके तहत सदस्य तय हो चुके हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियाबाद में एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पति ने गांव वालों के सामने महिला को 1 किलोमीटर तक दौड़ाया। घटना 31 अगस्त की है। शुक्रवार को वीडियो वायरल होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। ISP अमित कुमार ने बताया कि महिला की शादी 1.5 साल पहले ही इस गांव के युवक के साथ हुई थी। इस घटना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सभी समाज में इस तरह के अपराधियों की कोई जगह नहीं है। पंजाब में चोर लुटेरों को पकड़ने का जो काम पुलिस को करना चाहिए, वह काम अब लोगों को मजबूरी में खुद करना पड़ रहा है। अब लोगों ने चोरों लुटेरों को पकड़ने के बाद उन्हें मारना पीटना भी बंद कर दिया है। चोरों को पकड़कर उनके गले में हार डालकर इनका स्वागत किया जा रहा है। लोगों को इसके पीछे तर्क है यह कि वह चोर लुटेरों को मारते पीटते हैं तो पुलिस कहती है कि क्यों मारा, अब उन्हें उनके पास कोई चारा नहीं है। महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर धरना दे रहे लोग शुक्रवार को हिंसक हो गए। इसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें 20 प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 18 पुलिसकर्मियों को चोटें आई। प्रदर्शनकारियों ने खुले सोलापुर हाईवे बंद कर दिया और कई सरकारी बसों में आग लगा दी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन को हलफनामे में गलत जानकारी दी थी। उन्होंने अपनी 24 करोड़ से अधिक की इनकम छुपाई थी। प्रज्वल JDS के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते हैं। प्रज्वल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतने वाले पार्टी के एकमात्र सांसद थे। उनकी सांसदी रद्द होने के बाद अब लोकसभा में पार्टी के पास कोई सदस्य नहीं है। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर अब तक सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता लगा चुका है। हाइड्रोजन की खोज जारी है। 23 सितंबर को चंद्रमा पर लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर धरती पर रोज नई नई जानकारी भेज रहे हैं। धार जिले के लुनहेरा गांव की एक युवती 3 महीने पहले लापता हो गई थी, जिसका पता नहीं लग पाने के कारण सिरवी समाज के लोग पीड़ित परिवार के साथ थाने में
थाने के सामने धरने पर बैठे हैं, जिसे लेकर लापता युवती की मां ने बताया कि बेटी की तलाश के लिए मनावर थाने पर दो बार आवेदन दिया जा चुका है। साथ ही जिले के एसपी को भी गुमशुदगी का ज्ञापन सौंप दिया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विदिशा के शमशादाबाद में शालेय शिक्षा विभाग ने शासकीय कन्या स्कूल में संभाग स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया, जहां 14, 17, 19 साल के लड़के और लड़कियां हिस्सा ले सकेंगे। वहीं इस प्रतियोगिता के शुभारंभ में पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह सहित अन्य वरिष्ठ मौजूद रहे। आपको बता दें कि भोपाल, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ जिले के लगभग 150 खिलाड़ी संभाग स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में सहभागिता कर रहे हैं। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ नरसिंहपुर पुलिस को उस समय एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जब पिछले दो साल पहले जब्त की गई गाड़ियों की तलाशी ली गई। जब्त की गई गाड़ियों से भारी मात्रा में हशीश जब्त किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है। आपको बता दें कि दो साल पहले 7 करोड़ की हशीश के साथ 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिन्हें जेल भेज दिया गया था। जब्त गाड़ियों और गिरफ्तार किए गए आरोपी की बहन के नाम पर है और जिन्हें न्यायालय में गाड़ी वापसी का आवेदन दिया हुआ है। इन गाड़ियों में हशीश होने की जानकारी जब पुलिस को लगी तो तलाश में 5 करोड़ की हशीश बरामद हुई। डिंडौरी विधायक कार्यकाल में नेवसा के ग्रामीणों ने कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ली। डिंडौरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने ग्रामीणों को कांग्रेस पार्टी से दुपट्टा पहनाते हुए सदस्यता दिलाई। साथ ही ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताने का संकल्प लिया। राजधानी भोपाल में शराब के नशे में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा करने का मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन नशे में धुत महिला ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा और उन्हें अपशब्द कहने लगी। महिला पुलिसकर्मी नहीं होने की वजह से पुरुष पुलिसकर्मी लाचार होकर समझाइश देते रहे। वही ये मामला शेखपुरा थाना क्षेत्र के त्रिलंगा का है। भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह यादव ने भोपाल में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कहा कि इसको लेकर बैठकें की जा रही हैं, यात्रा को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। 3 तारीख से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका आगाज चित्रकूट से करेंगे। 4 सितंबर को राजनाथ सिंह नीमच से इसकी शुरुआत करेंगे। इसी तरह मंडला श्योपुर से गृहमंत्री अमित शाह, 6 सितंबर को खंडवा से नितिन गडकरी इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा 25 सितंबर को भोपाल पहुंचेगी। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूर पर सनोधा थाने के लालेपुर गांव एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां एक रिटायर्ड फौजी ने अपने ही बड़े भाई और उसके बेटे को गोली मार दी और हत्या कर दी और अपनी बेटी को भी गुस्से में निशाना बनाया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गृह कलह के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पूछताछ के बाद मामले पर खुलासा करेगी। छिंदवाड़ा नगर निगम के महापौर और अध्यक्ष सहित पूरी परिषद कमिश्नर के विरोध में उतर आई है। नगर निगम कार्यालय के सामने शुक्रवार को सभी ने विरोध जताते हुए धरना दिया। इस दौरान कमिश्नर की गाड़ी पर भैंस बांधकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के जन प्रतिनिधियों का आरोप है कि फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर कमिश्नर कमीशनखोरी करते हैं। प्रभारी मंत्री कमल पटेल के निर्देशों के बाद कन्या विवाह योजना की राशि नहीं वितरित की गई। विरोध को देखते हुए नगर निगम आयुक्त पीछे के रास्ते से प्राइवेट वाहन से भागते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर वरुण बडेरिया ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज पर तिरंगा लहराया है, जिसे लेकर प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने वरुण बडेरिया को इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। वहीं वरुण ने बताया कि समुद्र तल से 5,642 मीटर ऊंचे माउंट एल्ब्रूज पर चढ़ाई काफी चुनौतीपूर्ण रही। साथ ही वरुण एक प्रशिक्षित पर्वतारोही हैं, जिनका लक्ष्य 7 समिट पर तिरंगा फहराना है। सिंधिया समर्थक और पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह की पुत्री अंशु रघुवंशी ने भाजपा से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भाजपा पर सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया है। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वे भाजपा में शामिल हुई थी। वहीं अंशु अपने समर्थकों के साथ कमलनाथ की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के छतरी मंडी मैदान से में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। साथ ही मैदान पर बल्ला थामा और शॉट लगाए। इस प्रतियोगिता का नाम माधवराव सिंधिया दक्षिण T20 क्रिकेट प्रीमियर लीग है, जिसका आयोजन युवा भाजपा नेता पुनीत शर्मा पप्पन ने किया है। वहीं सिंधिया ने प्रतियोगिता में शामिल हुए बच्चों की टीम के साथ फोटो सेशन किया। आगरमालवा जिले के 8 गांवों को वर्ष 2018 में तत्कालीन कलेक्टर अजय गुप्ता द्वारा एक आदेश जारी कर राजस्व गांव
घोषित किया गया था, लेकिन आज तक इन गांवों को कार्यकाल भू अभिलेख राजस्व ग्वालियर में अलग गांव के रूप में नहीं जोड़ा गया है। गांव का नाम शासन के विभिन्न पोर्टल पर अलग से प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप शासन की योजनाओं का लाभ लेने में ग्रामीणों को विभिन्न समस्या आ रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता विनीत मालवीय के साथ शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में संयुक्त कलेक्टर मिलिंद धोके को ज्ञापन दिया और मांग की कि कलेक्टर आदेश को अमल में लाया जाए। डिंडौरी विधायक कार्यकाल डिंडौरी में नेवसा सहित अन्य गांव के ग्रामीण युवाओं ने कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम के हाथों कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। आपको बता दें कि डिंडौरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने युवाओं को कांग्रेस पार्टी का दुपट्टा पहनाते हुए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं युवाओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीतने का संकल्प लिया है। चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला आलोट क्षेत्र से आया है, जहां चोरों ने रक्षाबंधन पर्व के दूसरे दिन देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना में न्यायाधीश का निवास भी चोरों की हत्या चढ़ा है। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी, पुलिस बल सहित एसपी स्क्वाड भी घटना पहुंचे, लेकिन चोरों को पकड़ने में असफल रहे। वहीं एसपी ने चोरी की वारदात पर अंकुश लगाने के साथ ही देर रात तक गश्त बढ़ाने की बात कही। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रदेश के दौरे पर हैं, वे राजधानी रायपुर में युवाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक कार्यक्रम राज्य युवा विधान सम्मेलन के दौरान युवाओं को संबोधित करेंगे, जिसका आयोजन बघेल सरकार कर रही है। जानकारी के मुताबिक दोपहर 1 बजे मेला ग्राउंड नवा रायपुर में आयोजित राज्य युवा मितान सम्मेलन के जरिए युवाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ राहुल गांधी सीधे सभा स्थल के लिए रवाना होंगे। मुंगेली जिले के लोरमी में जेसीसीजे कार्यकर्ता ने प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के नेतृत्व में 45 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। ज्ञापन सौंपने एसडीएम कार्यालय जा रहे कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि आज पार्टी के परिवर्तन संकल्प महारैली और एसडीएम कार्यालय घेराव कार्यक्रम में शामिल होने अमित जोगी लोरमी पहुंचे थे, जहां सैकड़ों की संख्या में देसी जीजे कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में जेसीसीजे के लोरमी विधानसभा प्रभारी मनीष त्रिपाठी सहित पार्टी के पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन मानस मंच में किया गया, जहां से कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। बलौदाबाजार के कलेक्टर चंदन कुमार ने 48 स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां कलेक्टर ने 265 तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को निलंबित किया है और 100 अन्य कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, जिसे लेकर अनुशंसा पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। जाति ठग ऑनलाइन ठगी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला धमतरी में सामने आया है, जहां जालसाज शहर के व्यापारियों को निशाना बना रहे हैं, जिसमें फंस कर दो व्यापारियों ने पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिए, जिसकी शिकायत चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पुलिस प्रशासन से की है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल की टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कही गई है। भरगोड़ा बाईपास चौक पर जिला पंचायत सदस्य संतोष राठिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं समेत ग्रामीण अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम कर रहे हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी हरिश्चंद्र राठिया अपने दल बल के साथ समर्थन देने पहुंचे। वहीं ग्रामीण बहामुड़ा के फसल मुआवजा समेत 145 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जिस वजह से सभी वाहनों का आवागमन प्रभावित किया गया है। गौरेला में हत्या का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने घर में रखे चाकू से पड़ोसी व्यक्ति पर हमला कर दिया। बता दें कि अपनी मां बहन के साथ युवक विवाद कर रहा था, उसी दौरान पास में ही रहने वाले व्यक्ति विवाद सुलझाने गया, पर आरोपी ने ये नागवार गुजरा और आवेश में आकर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल व्यक्ति को उसका भाई अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया है। वहीं पुलिस मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। पेंड्रा थाना क्षेत्र में राखी बांधने गई महिला को घर आने में देरी हुई तो नाराज पति ने जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बता दें कि शराबी पति पिटाई करने के बाद मौके से फरार हो गया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस आरोपी की पति की तलाश में जुटी हुई है। बीजापुर के गंगालूर क्षेत्र के अंतर्गत माओवादी विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जहां डीआरजी
एसटीएफ, सीआरपीएफ, बी5, 222 बटालियन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए खाए। साबनार डीएकेएमएस अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है, जिसके कई विस्फोट सामान भी बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेज दिया है। एशिया कप 2023 का तीसरा मुकाबला आज कैंडी में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। मैच की शुरुआत भारतीय टाइमिंग के मुताबिक दोपहर 3 बजे से होगी। टॉस दोपहर 2:30 बजे होगा। ज्यूरिख में अपने प्रदर्शन को लेकर नीरज ने कहा कि मैं इस चरण के लिए अच्छे से अभ्यास नहीं कर पाया। मैंने पहले 3 प्रयास में काफी संघर्ष किया, मेरा रन अप काफी अच्छा नहीं रहा, थ्रो कमजोर थी और पूरी गति नहीं थी। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है। कैंडी में होने वाले इस मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ी 5 खास रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। भारतीय दिग्गज विराट कोहली वनडे क्रिकेट में 13,000 रन पूरे कर सकते हैं। एशिया कप के मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर होने जा रही है, लेकिन इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। कैंडी के पल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इस मैच का आयोजन होना है। शनिवार सुबह से ही कैंडी के आसमान में बादल छाए हुए हैं। वक्त गुजरने के साथ ही कैंडी के आसमान में बादल और ज्यादा घने होते जा रहे हैं। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान का मैच भूलने की आशंका भी बढ़ती जा रही है। ग्लोबल फाइनेंस केंद्रीय बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 सूची में 3 केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों को A+ रेटिंग दी गई है, जिनमें दास शीर्ष पर रहे। स्विट्जरलैंड के गवर्नर थॉमस ने जे जॉर्डन दूसरे और वियतनाम के गवर्नर यू गुएन की होम तीसरे स्थान पर रहे। भारत ने 27 अगस्त को बासमती चावल के निर्यात पर अतिरिक्त सतर्कता के मद्देनजर अहम कदम उठाए हैं। इसका मकसद गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात को रोकना था, जो वर्तमान में निषिद्ध श्रेणी में है। देश की प्रमुख ऑटोमेकर कंपनी मारुति सुजुकी की गाड़ियों में मंथली सेल्स ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। कंपनी ने अगस्त के महीने में सालाना आधार पर 14.5% ग्रोथ के साथ 1.89 लाख गाड़ियां बेची हैं। एयर इंडिया विस्तारा एयरलाइन के मर्जर को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। विस्तारा के मर्जर के बाद अब एयर इंडिया देश की दूसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन और सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन बन गई है। इस मर्जर की प्रोसेस 2024 तक पूरी होगी।